ये वही अस्पताल है जिसका मैंने कुछ समय पहले जिक्र किया। ये अस्पताल की ज़मीन लगभग एक एकड़ की ज़मीन है, जो 1983 में ये ज़मीन एक्वायर किया गया है, अस्पताल के लिए गवर्नमेंट के थ्रू दिया गया है। लेकिन जब से लेकर 1983 से लेकर आज तक आप देख सकते हैं कि तीन बिल्डिंगें बनी हैं, एक ये आपको, दूसरी ये इस तरफ है और तीसरी उस तरफ है। लेकिन जो हालात बिल्डिंग की है, आप देख सकते हैं कि इसके अंदर अवैध रूप से कब्जा है। लोग यहाँ के जो लोकल लोग हैं वहाँ पे ज़बरदस्ती इसके अंदर रह रहे हैं। हो सकता है उसकी कुछ मजबूरियाँ रही होंगी, चूँकि आप हालात को आप देख सकते हैं कि इस तरह से यहाँ पे बनाया गया है। आप देखिए अस्पताल क्या कंडीशन है, अस्पताल के अंदर क्या किस स्थिति में पड़ा हुआ। आपको अंदर ले चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि वहाँ पे क्या है, कौन रह रहे हैं, आखिर किस कौन कब्जा करके इस अस्पताल के अंदर रह रहे हैं। आइए देखते हैं। ये अस्पताल की बिल्डिंग है जहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ लोग यहाँ पर रह रहे हैं, और शायद कोई होंगे यहाँ पे, नहीं कोई है नहीं, और इधर भी लोग, अच्छा हाँ, यहाँ पे कुछ लोग हैं। आइए देखते हैं कि वो यहाँ क्यों रह रहे हैं, क्या वजह है, किस तरह से रह रहे हैं, कौन बोला इनको यहाँ पर रहने के लिए। आइए देखते हैं। क्या आपका नाम क्या है? परवेज आलम। परवेज आलम, हाँ। यहाँ कब से रह रहे हैं? दो साल से रह रहे हैं, हाँ। आपको यहाँ पर रहने के लिए किसने बोला? सर हमको पता नहीं है। पता नहीं है? तो आपके साथ यहाँ पे कौन कौन रह रहे हैं? यहाँ पे मेरा पिताजी रहता है। पिताजी का नाम क्या है? मोहम्मद वकील साहब। वो क्या करते हैं पिताजी यहाँ पे? कुछ नहीं करते हैं वैसे। तो इस बिल्डिंग में ही आपको पता है ना कि बिल्डिंग, ये अस्पताल की बिल्डिंग है ये? हाँ पता है। तो फिर अस्पताल की बिल्डिंग आपको रहने के लिए किसने बोला? अब मेरे पापा ने जाने गए, हम थोड़े जाने गए। आप नहीं जानते हैं? नहीं। नाम क्या होता है आपने? परवेज आलम। तो ये परवेज आलम थे, इनका कहना है कि ये बिल्डिंग खाली पड़ी थी, यहाँ पे कुछ था नहीं, बस नाम का एक अस्पताल है जो इन्होंने खाली देखा, तो इनके पापा और ये साथ में कुछ और लोग भी हैं यहाँ पे जो कि यहाँ पे रह रहे हैं। ये देखते हैं कि बाकी और क्या है इस पे। ये किचन बना रखा है इसे, और यहाँ भी कितने लोग रह रहे हैं यहाँ पे? यहाँ पर रह रहे हैं कम से कम 5-6 आदमी। 5-6 आदमी रह रहे हैं, हाँ। तो क्या आपके पास ज़मीन कहीं और रहने के लिए नहीं है, घर नहीं कहीं रहने के लिए? नहीं है। तो क्या आपको यहाँ के मुखिया या आसपास के लोगों ने बोला, किसने बोला आपको रहने के लिए यहाँ पे? अब मेरे पापा ने जाने का वही बोला, चलो वहाँ। क्या काम करते हैं आप? हम चैन का करते हैं। चैन का काम करते हैं, हाँ। अच्छा, आइए देखते हैं कुछ और बिल्डिंग यहाँ पे भी है, देखते हैं कि उसके अंदर क्या क्या चल रहा है। तो आइए देखते हैं कि इस बिल्डिंग की क्या कंडीशन है। आगे सर जी, यहाँ भी हम देख रहे हैं कि इसमें अवैध कब्जा है। ये देखिए, दिखाओ उसको, ये देखिए आपका ये लगा हुआ। अगर हम खिड़की से देखते हैं तो इसकी कंडीशन देख लीजिए आप। आपने भी देखा कि किस हालात में ये जर्जर बिल्डिंग पड़ी हुई है, इसके अंदर कुछ लोग रह भी रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि हालांकि इस घर के मालिक अभी मुखिया है नहीं कोई यहाँ पे अभी, तो आसपास के लोग जो मोहल्ले के लोग हैं हमारे पास हैं, तो आइए जानते हैं कि इनका क्या कहना है कि आखिर कौन रहते हैं इसके अंदर, ये इस बिल्डिंग में कौन रहता है। मंगल ऋषि देव, हाँ। तो वो यहाँ क्यों रहते हैं? पता था बहुत, अच्छा पढ़ता रह रहा था इसलिए इसमें रहने लग गया। वो पढ़ता था मतलब पढ़ते थे यहाँ पे? नहीं, तो पढ़ता मतलब खाली था वो खाली। अच्छा तब रहने लग गया। अच्छा। क्या वो अवैध कब्जा करके रह रहे हैं यहाँ पे, या फिर खाली पड़ी थी ये इनको रहना शुरू कर दिया? खाली पड़ी थी, ये पड़ी थी तब रख। तो बिल्डिंग किस चीज़, कौन सी बिल्डिंग है, किस चीज़ के लिए बनी है बिल्डिंग? ये तो बिल्डिंग बनी
अस्पताल के, अस्पताल के लिए 15 साल से कुछ, या 15 साल से तो ऊपर हो गया, 15 साल से ऊपर हो गया। हाँ। तो जब से ये बिल्डिंग बनी है, आप यहाँ यहाँ के वासी हैं आप? हाँ, यहाँ के वासी, यहाँ के वासी हैं। जब से ये बिल्डिंग बनी है, क्या इस बिल्डिंग के अंदर कोई डॉक्टर या कंपाउंडर या नर्सेज कोई भी यहाँ पे आज तक तो हम देखे नहीं किए हैं? नहीं देखे अभी तक, नहीं बना जो किया है। अच्छा, आज तक इसको देखने के लिए नहीं आया, देखने के लिए नहीं आया। आपका नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद इलियास हुआ, घर चैनपुर, अच्छा, थाना श्री नगर, जिला मधेपुरा। इलियास जी, मुझे बताइए कि ये बिल्डिंग, ये जो ज़मीन है, आप यहाँ के वासी हैं, जाहिर सी बात आपका एज लगभग 45 साल के आसपास लग रहा है, तो आपके समय में ये बिल्डिंग बनी होगी और ये ज़मीन एक्वायर किया होगा, तो आप जब बताएंगे आपकी ये बिल्डिंग का क्या हिस्सा, क्या मतलब कब कब ज़मीन एक्वायर की गई और कब बिल्डिंग बनी, बताइए। 1983 में परमानंद चौधरी 1 बीघा ज़मीन दिया है, अच्छा, कैबाला, और उसके बाद उसका जमाबंदी नंबर 127 है, उससे जमाबंदी जो है ना छांट कर कर करके 1 बीघा हॉस्पिटल के नाम से कम हुआ, अच्छा, एक्वायर कर कर करके बिल्डिंग जो है कि बना, इसको धीरे धीरे चारों तरफ से कब्जा करते हुए आ रहा है, उसके बाद बना हुआ बिल्डिंग को, अच्छा, कि ये लोग जो है कि किससे पूछ कर करके बेजबरन अपने मन से रह रहा है उसका जो है ना, कि यहाँ का कोई प्रतिनिधि कोई जो है ना कि इस पर देख रेख नहीं करता, न आज तक अतिक्रमण करते जा रहा है, उसको भी जो है ना अभी तक कोई हेर खोज नहीं किया है। ये जो बिल्डिंग बनी है, ये कब बनी थी बिल्डिंग? ये जो है कि लगभग 2002 में ये बना था, अच्छा, हाँ, उसके बाद 2000 जो है ना कि 10 में ये बना था, ये NM वाला जो है ना, अच्छा, 2009 में बना था, अच्छा, हाँ, बाकी जो है कि यहाँ पर कोई देखरेख नहीं किया, तब हम सिविल सर्जन को आवेदन दिए कि स्वास्थ्य केंद्र का जमीन को अतिक्रमण कर रहा है, अच्छा, आप इस पर कार्रवाई कीजिए, अनुमंडल पदाधिकारी को जो है ना, हाँ, कि कहिए, अच्छा, वह जो है कि नहीं सुना, तब हम प्रखंड चिकित्सा पदाधिकारी को भी आवेदन दिए कि अंचल अधिकारी से नापी करवाइए, अच्छा, लेकिन कोई कार्रवाई जो है ना अभी तक नहीं हुआ, ये लोग बेजबरन धीरे धीरे जो है ना कि इसको जो है कि हॉस्पिटल को दखल कब्जा जो है कि धीरे धीरे अब कर लिया है। क्या आपके संज्ञान में ऐसी कुछ ऐसी कोई बात है कि यहाँ पे पहले से कोई डॉक्टर अपॉइंट किया हुआ है या कोई कंपाउंड? यहाँ पर जो है कि हम लोग जो है कि लगभग 2000 जो है ना के 10 से पहले 20 साल से देखते हैं कि एक फूस का घर था, अच्छा, हाँ, झोपड़ी था वो, हाँ, झोपड़ी, उसमें डॉक्टर था, अलमारी था, सारा चीज था, अच्छा, हाँ, और कितना डॉक्टर, अभी इधर फिलहाल जो है ना मुंडा जी था यहाँ पर, अच्छा, कंपाउंडर डिपुट, अच्छा, उसके बाद NM भी जो है ना आती जाती थी, इधर 5-10 साल से जो है ना कि उधर वेतन उठाता कहते हैं, हाँ, कहता है सब तो जो है ना मकान में, हाँ, वहाँ पर बस गया, हम लोग कहाँ रहेंगे, अच्छा, तो क्या उन्होंने प्रशासन की मदद नहीं लिया? उन्होंने प्रशासन को भी क्या इस पर कोई देख रेख नहीं करता है, अच्छा, वो भी नहीं करते हैं ना, और अभी इस अस्पताल के नाम पर, अस्पताल के नाम पर 2 एम्प्लॉय पैसा उठा के खाते हैं, पैसा उठा करके खाते हैं मुंडा जी वगैरह कंपाउंडर जो है, अच्छा अच्छा। अस्पताल के सामने में कुछ यहाँ के पड़ोस में रहने वाले कुछ लोग भी हैं, आइए जानते हैं कि वो क्या कहते हैं इसके बारे में, आइए। हाँ, पहले आप हमें बताएं कि आप लोग यहाँ पे कुछ सरकारी योजनाओं का फ़ायदा उठाते हैं, जैसे कि आपका आयुष्मान भारत है, इसके बाद आपका वृद्धा पेंशन है, आप लोग का ऐसे लग रहा है इतना कुछ होने, कुछ भी नहीं, कुछ कोई एक कोई भी योजना नहीं, एक योजना ना कहीं कुछ नहीं है, पूरा बस्ती में नहीं कहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं है। क्या आप लोग को पता भी है कि ये योजना है यहाँ पे है? यहाँ सब बड़के बड़का खा जाता है, बड़के खा जाता है, हाँ, एक योजना नहीं आने देता है, गरीब को कौन देख रहा है, हम हॉस्पिटल में नहीं, बिहार सरकार है नहीं कुछ है, नहीं बीमार पड़ जाते हैं उसके लिए परेशान है, एक धूर जमीन नहीं है हमारे पास में, इतना पैखाना था भरा हुआ था, सबको साफ किए हैं, नहीं ठिकाना था मस्जिद का मौजूम है रहने के लिए, मांग चांग के खाते हैं, हमारे पास कोई औकात नहीं। तो इस बिल्डिंग, ये जो अस्पताल है, इसमें आप रहते हैं? हाँ, हम ही रहते हैं। कब से आप रह रहे हैं यहाँ पे? हमको 4-5 साल हो गया। 4-5 साल हो गया, हाँ। तो आप यहाँ पे क्यों रहते हैं? मतलब ये तो रहने के लिए आपके लिए जगह नहीं है, वो तो डॉक्टर होने चाहिए, तो डॉक्टर जब तक नहीं आया तो क्या करेंगे? अच्छा, डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर खाली था, वैसे पखाना खाना फिर के ढेरी लगा रहा था, सब गंदा जगह हो रहा था। अच्छा, लोगों ने क्या किया, झगड़ा फिर रहा था कोठी में सब,
अच्छा हाँ, अभी भी आपको चेक इन करवा देंगे, बगल में वाला कोठी उसमें भी हका हुआ, इतना भरा हुआ है, किसको मना कर दिया जाएगा? वो तो हम आ गए तो सफाइयत भी है, तो खाली पड़ी थी, लेटिंग वेटिंग की गंदगी पड़ी थी वहाँ पे, कूड़ा वूड़ा पड़ा होगा, तो फिर आपने साफ कर, हाँ साफ करके तब रहने लगे। अच्छा अच्छा हाँ, तो क्या आप जब रहने लगे उसके बाद में कुछ लोग आसपास के या कोई प्रशासन से कुछ लोग आए आपको बोलने के लिए भाई यहाँ खाली करो, हम यहाँ पे अस्पताल है, हम लोग यहाँ पे रहेंगे, इलाज करेंगे? नहीं, कुछ भी कोई नहीं आया बोलने के लिए, इलाज जब डॉक्टर इलाज ही नहीं तो क्या होगा, इसलिए खाली जगह पाया बेचारा, हम रो रहे हैं, ऊपर नहीं है उसमें आकर। दस आदमी से बोल लिया अपने समाज से निकल के, खाली जगह है साफ करके रह जाइए। मतलब आपके आपके साथ एक मजबूरी थी पहले कि चलो रहने के लिए घर नहीं था, दूसरी मजबूरी इस मोहल्ले वाले के लिए भी है कि खाली पड़ी जमीन है, ये बिल्डिंग खाली पड़ी है, कोई है भी नहीं अब देखने वगैरह वाला। अच्छा, तो इसलिए आप वहाँ देखा तो साफ सुथरा? हाँ साफ सुथरा, मोहल्ला वाला ने आपको बोला कि आप रह जाओ? हाँ रह जाइए। अच्छा अच्छा, इसलिए आप रह रहे हैं? हाँ हाँ, हालात तो है इस तरह की, लेकिन हमने बातें भी की कुछ आसपास के मोहल्ले वाले से, गंदगी ज़्यादा था। अच्छा, बहुत गंदगी, जब रहने वाला जगह आप वहाँ खड़ा होते हैं तो नाक देने का जगह नहीं जाता, जाहिर सी बात है, खाली पड़ी होगी बिल्डिंग, तो उसके अंदर लोगों ने भीतर जाके कोठली में भरा हुआ था। अच्छा था, यहाँ के आगे में क्या, इतना भीतर में था बैठो ना। अच्छा हाँ, वो दिख रही है, हालात तो इस तरह से है, सामने जो बिल्डिंग है एनएम के लिए बिल्डिंग बनी हुई है उसके अंदर भी मैं देख रहा हूँ कि बिल्कुल पेड़ पौधे लगे हुए, गंदगी लगी हुई है, सारा लेटरिंग रूम में भी नहीं बना है, इसलिए सब लड़ाई कर देता है, बगल में फिर देखते हैं ना, तो सब उठ जाता हमको मारने के लिए करता है, मुझे समझे, मतलब 25% अभी तक बिल्डिंग नहीं बनी, मतलब लेटरिंग ना बना है, 1% में 4 आना बना। अच्छा, सगरे वैसे है, जो भी बना हम बना बना लिए हैं, दो बापूत का नाम से खाता नंबर ले गया है, अभी तक कोई हेस नहीं, इधर सुनिए ना, कोई हेस नहीं सुने है वो टका का, हाँ सब चीज राशन कार्ड फलना कार्ड चिलना कार्ड सब ले गया है, लेकिन अभी तक पैसा अथी खाता में नहीं आया, दो कोठली का अथी बनाए हैं लेकिन अभी तक खाता में पैसा एक ठो नहीं है। हाँ हालात तो हमने देखा यहाँ पे, जैसे कि आपके ये पंचायत में घुमा, यहाँ का जो हालात है काफ़ी दयनीय है, सड़कें नहीं है आपके यहाँ, सड़क पे गड्ढा है, सामने स्कूल के है उस सड़क में जा करके चेक कीजिए ना, चलने फिरने का लाइन, बरसा होता तो इतना लाइन का दो वहाँ से भी आ रहे हैं उधर, मैंने देखा वहाँ पे है, देख कोई सुनवाई नहीं है। अच्छा, आपके इलाके में यहाँ पे स्कूल है बगल में, आप तो उसका क्या करने से, कैसे पढ़ाई होती है वहाँ पे, बच्चे लोग जाते हैं पढ़ाई? तो यहाँ का मास्टर है 4-5, 3-4 वही पढ़ाता, पढ़ाई तो ठीक हो रहा है, हाँ पढ़ाई तो ठीक हो रहा है। अच्छा, मास्टर में तो कोई कम नहीं, पढ़ाई तो ठीक है, वही भे वो स्कूल का आने जाने का रास्ता भी नहीं है, सामने में कीचड़ वीचड़ पानी, कीचड़ है पानी है, रास्ता भी नहीं है वहाँ जाने आने के लिए, वो भी रास्ता तो खरीदना ही पड़ेगा सरकार, आज खरीदे कल खरीदे। अच्छा अच्छा, तो स्कूल के अंदर दोपहर का भोजन मिलता है बच्चों को खाने के? हाँ मिलता है, खाना तो मिलता है। अच्छा हाँ, खाना तो मिलता है, खाना मिलता है। तो अगर इतनी सारी दिक्कतें आप लोग के साथ में यहाँ पे सड़कें की या अस्पताल की दिक्कतें हैं, आपने बताया कि उस बच्चे कुछ पेशेंट मर भी जाता रास्ते में पहुँचते पहुँचते, कोई कोई जब उतना चालू पुर्जा जो है सब नेता है सब्जी बन गया, वो दस्तखत करने के लिए तैयार नहीं है, बुझे जो फंड भी आता है सड़क वड़क बनाने के लिए उस पर दस्तखत भी नहीं कर रहा है कोई, जो बन जाए वो भी घूस मांगता है। मतलब आप बोल रहे कि सड़क बनाने के लिए घूस मांगते हैं? तब सब घूसे मांगता था तब ने सड़क बनना की, क्या बन रहा है बस्ती में, यही हाल हो रहा है। यहाँ का जो वार्ड मेंबर है वो बोल रहे हैं कि वो घूस मांग रहा है, जो सचिव मेंबर के हैं वार्ड में, काहे ऐसे होता है, काहे न बनता है, क्या बात है, पूछिए वार्ड सदस्य। अच्छा वार्ड सदस्य से पूछिए, मुखिया जी से पूछिए, खेला खेला तो नाश कर दिया, खेला कर कर इंद्रावास बुराफा भाग इंद्रावास हमरा आर के कोनो पलसिन ते कि 60-70 के उम्र भए गेलै, लेकिन अखन तक कोई उम्मीद नहीं छै। अच्छा हाँ,
कहाँ कुछ पेंशन नहीं मिला आपको, तो आप इसके लिए आगे बढ़े नहीं, कोई कंप्लेन नहीं किया आपने या मुखिया के पास पहुँचे नहीं? आप की लिखा पढ़ी कर करके सब कुछ ले गया है, हाँ भर करके सब कुछ अब की ले गया है, अब ले गया हाँ। वो मुखिया के दान स्टर ने अपना एक जो लड़का हमारा है वो लिख पढ़ करके वहाँ दिया लक्ष्मीपुर में, लक्ष्मीपुर में आता है। ये लक्ष्मीपुर भगवती की पंचायत के अंदर ये चैनपुर मोगला घाट चैनपुर आता, आपको पता है कि मोगला घाट किस नाम से पड़ा है, कैसे नाम? मोगला घाट नंदना पड़ता है, नंदना पड़ता है हाँ। मोगला घाट मोगल घटवार था, यहाँ बड़ा बड़ा नदी था यहाँ, हाँ बड़ा डबल नदी था, इसलिए मोगला घाट नाम रहा। यहाँ पे नदी हुआ करती थी पहले, और वहाँ पे मोगल नाविक ये घाट घटवार, यहाँ पे नाविक को बोला जाता है, एक मोगल घटवार जो मोगल नाम का एक नाविक था वो यहाँ पे रहा करते थे। और ये जहाँ पे मैं बैठा हूँ अभी, ये पहले ज़मीन नहीं था, पहले नदी हुआ करती थी, यहाँ पे पानी यहाँ से बहती पानी थी, यहाँ से परमानपुर में जाकर के लगता था। अच्छा हाँ, तो इसलिए मोगला घाट नाम रहा है। वो हम वहाँ का वासी नहीं थे पहले, वो आदमी जो बोलता है जो कहता है यहाँ मोगल घटवार था, हाँ मोगल घटवार हाँ, तो इसलिए तो उनके उनके नाम से पढ़ा ये हाँ मोगला घाट। तो इस नाम के पीछे, ठीक है बाबू, इस गांव के नाम के पीछे भी बहुत बड़ी कहानी है, वो बताएंगे हम बाद में, कहानी वाकई इंटरेस्टिंग लगेगा आपको। यहाँ की हालात इस कदर ये लोग बदतर हो रही है दिन ब दिन, आपको आपने देख लिया, सड़कें नहीं है, स्कूल में पढ़ाई की सुविधा नहीं है, अच्छी सुविधा नहीं है, और पुलिस प्रशासन भी यहाँ पे नहीं आते हैं वो लोग भी, चूँकि काफ़ी दूर है वहाँ से, कोई देखने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। आपने अस्पताल की स्थिति देख लिया, यहाँ पे ज़मीन 1983 में एक्वायर की गई है, अस्पताल के नाम से ज़मीन दी गई है, यहाँ पे अस्पताल बनी हुई है, बिल्डिंग बनी हुई है, लेकिन यहाँ पे उस बिल्डिंग के अंदर पेड़ हैं, पौधे हैं, बाकी लोग जिसको ज़रूरत पड़ गया उन्होंने साफ़ किया, उसके अंदर गंदगी थी, टॉयलेट लोग किया करते थे, उसको साफ़ करके वहाँ पे लोग रहना शुरू कर दिया। लेकिन इन सब के बीच एक सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस देश के अंदर हमारे प्रधानमंत्री जी वादा करते हैं, दावे करते हैं, इसके बाद फिर हमारे मुख्यमंत्री जी दावे करते हैं कि हम स्वच्छ भारत, स्वच्छ बिहार, स्वच्छ लोहिया अभियान, काफ़ी सारे पैसे खर्च करते हैं उसके पीछे, यहाँ के डेवलपमेंट के लिए वो लोग काफ़ी वादे करते हैं, दावे करते हैं कि हमने वहाँ तक पहुँचा दिया। इनफैक्ट अगर हम पेपर की बात करें तो ये इलाका टॉयलेट मुक्त इलाका है, यहाँ पे एक रिपोर्ट गई हुई है, मुख्यालय रिपोर्ट गई हुई है कि लक्ष्मीपुर भगवती पंचायत के अंदर हर किसी के पास में टॉयलेट बन गया है। लेकिन जहाँ तक कि आपने सुना कि हमारे साथ कुछ लोग भी ऐसे हैं कि इस पूरे इलाके में इस पंचायत के अंदर तकरीबन 50,000 लोग रहते हैं, और 50,000 लोग में इनका कहना है कि लगभग 25% की आबादी में ही टॉयलेट लगी है, आपको शौचालय का सुविधा दिया गया है, बाकी नहीं है। तो आप इसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या स्थिति रही होगी यहाँ के लोगों को, अगर मुख्यालय जाना पड़ता है कोई काम करवाने के लिए या कहीं आगे बढ़ने कोई सुनवाई नहीं होती, तो यहाँ पे वो हालात है कि लोग कोई सुनता नहीं है। अब सड़कें टूटी हुई हैं, मैंने जब पता किया तो सर, इनका सर अभी आपको हम ले जाते हैं। अच्छा हाँ, अब जरूरदा हम क्या कहेंगे, आपको दिख रहा है सर इतना खा दो, तो वही हालात है। अगर बिल्ड यहाँ पे सड़कें भी बनाने की बारी होती है, अगर ये लोग आगे बढ़ते भी हैं तो सुनते हैं कि यहाँ के जो वार्ड सदस्य हैं वो कुछ मांगते हैं, पैसे मांगते हैं, या कुछ पदाधिकार जो यहाँ के जो मुखिया है चाहे जो कुछ भी हैं, वो लोग आपस में कमीशन की वजह से कोई काम करवा नहीं पा रहे हैं। जो आपने सुना, हम मैं तो ये बात नहीं बोल रहा, लेकिन इनका ग्रामीण का कहना यही बात है कि वो लोग कुछ पैसे के लिए, कुछ कमीशन की वजह से वो लोग काम नहीं कर पाते हैं। तो ये सारे हालात है। हालांकि इस पंचायत की मैं बात करूं तो यहाँ पे सिर्फ एक मुस्लिम की आबादी ही नहीं है, यहाँ पे हर कौम की आबादी है, हर जात की आबादी है, हिंदू की भी जितनी आबादी है, मुसलमान की आबादी है, लेकिन मुसलमान की आबादी कम ही है, हिंदू की ज़्यादा आबादी होती है कोई शक की बात नहीं, हर जात के लोग यहाँ पे हैं, हिंदू में भी मुस्लिम में भी। लेकिन जब विकास की बात आती है तो विकास होता है तो उसके अंदर हर कौम के लोग चलते हैं,
किसी का नाम लिखा हुआ नहीं है, सब सुकून महसूस करते हैं। चलो हम कहीं कहीं ना कहीं एक विकसित देश में के नागरिक हैं, विकसित राज्य के नागरिक हैं, लेकिन जो हालात हमारे सामने हैं आपने देखा कि काफ़ी दयनीय है। हम जब दिल्ली में रहते हैं वहाँ से बात करते हैं तो हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े चीज़ें देखने को मिलती हैं, जहाँ पे एक सिग्नेचर टावर भी है, जहाँ पे हमारे पास दिल्ली के अंदर इंडिया गेट भी है, जहाँ पे हमारे वर्ल्ड वाइड के लोग आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, वहाँ से इंडिया की देश की पहचान बनती है, मिलती है। लेकिन हम वहाँ से अगर गाँव की बात तरफ हम जैसे आगे बढ़ें, आपको पता है कि गांव हिंदुस्तान के अंदर, हिंदुस्तान गांव का देश है, जहां पे तकरीबन 72.8% लगभग एक तिहाई आबादी गांव में बसती है यहां की। और जब गांव हम आते हैं, खासकर हम बिहार की बात करें, ये गांव का ही राज्य है, यहां पे लगभग 11% की आबादी सिर्फ शहर में रहते हैं, बाकी तो गांव के अंदर ही है। तो अगर हम गांव की बात आते हैं, गांव की तरफ आते हैं, यहां के हालात को देखते हैं, तो हमें काफ़ी अफसोस करना होता है कि आखिर हम किस मुल्क, किस देश के अंदर, जिस देश के अंदर हमारे देश के जो नेता हैं वादे करते हैं, दावे करते हैं कि हम इस लेवल तक पहुंच गए, हम उस लेवल तक पहुंच गए, लेकिन जैसे ज़मीन पे हम आते हैं तो उसके हालात किस कदर बद से बदतर है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। जो हल्का पढ़ लिख लिया वही इस गाँव के अंदर राज करते हैं। तो आप ये देख सकते हैं, अब इसके लिए अब हम या तो यहाँ के वासिंदे नागरिक को ज़िम्मेदार समझें या फिर प्रशासन की बात समझें, सब कुछ है यहाँ पे, सिस्टमेटिक वे से कुछ नहीं चल रहा है। स्कूल है, आपको मैं स्कूल का भी हालात दिखाऊंगा, वहाँ पे वहाँ के कुछ टीचर लोग हैं उनकी क्या स्थिति है, आपको वो भी दिखाऊंगा मैं। इसके बाद मैं आपको वहाँ लेके चलूँगा और दिखाऊँगा कि वहाँ के हालात कैसी है। लेकिन आपने अस्पताल के हालात देख लिया, यहाँ के वासिंदे लोग जो बड़े बड़े जो योजनाएं निकली हुई हैं इनको वो तक पता नहीं कि योजनाएं क्या क्या निकली हुई हैं, कितने की सुविधा दी गई है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आइए आपको हम थोड़ी देर के बाद आपको लेकर चलेंगे हम स्कूल में, वहाँ के हालात के बारे में जानकारी लेंगे। फिलहाल के लिए कैमरा पर्सन MS एहसान के साथ मैं इमरान, वी आवर्स न्यूज़ के लिए। ये लक्ष्मीपुर भगवती पंचायत के चैनपुर के अंदर, जहाँ पे आप पास में ही आपने देखा कि यहाँ पे अस्पताल बनी है, उसके सामने में ये उत्क्रमित उर्दू मध्य विद्यालय चैनपुर, ये जिला के अंदर पड़ता है, तो वो आता है। आइए देखते हैं कि यहाँ कंडीशन क्या है, यहाँ पे पढ़ाई क्या है, बच्चे लोग किस तरह से। आप ये देख सकते हैं कि बच्चे लोगों की हालात कैसी है, तो तुम लोग के पास में ड्रेस नहीं है क्या? नहीं। किस क्लास में पढ़ते हो? चार। चार में पढ़ते हो जी? अच्छा, तो तुम थोड़ा पैंट खुला हुआ, ये कैसे हो गया? शर्ट कहाँ है तुम्हारा? शर्ट कहाँ है तुम लोग का? अच्छा, वहाँ पे शर्ट रखा तुमने। तो तुम किस क्लास में पढ़ते हो? चार। ABC सुना जरा सा। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। क्या बात है, तो आपने ABC सुना दिया। आपको पता है कि ये महीना कितने हैं, जनवरी फरवरी कुछ पता है? जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। क्या बात है, संडे मंडे पता है तुम लोग को? संडे मंडे ट्यूसडे फ्राइडे वेंसडे सैटरडे, मतलब वो है। तो ये सारे बच्चे हैं स्कूल के, आपने देखा कि गांव है, ग्रामीण क्षेत्र है पड़ता है ये, आपको ने दिखाया कितने नीचे तबके के क्षेत्र हैं, जहाँ पे बच्चे अगर स्कूल भी आते हैं तो बहुत बड़ी बात है। ये अभी शुरुआत हुई है, इससे पहले के ज़माने अगर 15-20 साल पहले की बात करें तो यहाँ पे काफ़ी दिक्कतें हुआ करती थी, बच्चे स्कूल तक नहीं आया करते थे। ये जो बिल्डिंग बनी है आप देख सकते हैं कि बिल्डिंग के अंदर ये कुछ फ़िलहाल में बनी है बिल्डिंग, ये 10 साल के दरमियान बना होगा। ये हमारे साथ कुछ टीचर भी हैं, इनसे ही पूछते हैं कि आखिर ये कब बनी है बिल्डिंग? ये 2008 के बाद की बनी है। आठ के बाद बनी है, तो लगभग 11 साल हो गए। तो अभी आपका नाम क्या हुआ?
मोहम्मद समीउद्दीन। समीउद्दीन साहब आप यहाँ पे शिक्षक हैं जी? अच्छा अच्छा, तो यहाँ की हालात कैसी है, कैसी पढ़ाई लिखाई बच्चे लोग को लेकर क्या है? पढ़ाई लिखाई तो गांव देहात का बच्चा है। अच्छा। तो आता है, वक्त पे आ जाता है, हम लोग का मेहनत चल रहा है। अच्छा। मेहनत के हिसाब से बच्चे को वक्त पे ले आते हैं और पढ़ाई वढ़ाई में लगा देते हैं बच्चे को। बच्चे भी मन लगा के पढ़ रहे हैं। बच्चे का गार्जियन से अनुरोध करते हैं कि बच्चे का गार्जियन जितना हम लोग को सपोर्ट करेंगे बच्चे उतना ही आगे बढ़ेंगे। अच्छा, तो कितने शिक्षक हैं इसके इसके अंदर? अभी हम लोग 7 शिक्षक हैं। 7 हैं जी। तो क्या सारे रेगुलर हैं? जी सब रेगुलर हैं। आज अभी टाइम कितना हो रहा है आप देखो, जैसे मैं टाइम देखूँ कितना टाइम हो रहा है अभी, ये 1:39 हो रहा है और अगस्त 5 अगस्त है आज 2019। अभी शिक्षक कितने आपके इसमें मिलने अभी इस वक्त? अभी 7 हैं, अभी 7 हैं मेरे। कोई छुट्टी वुट्टी भी अभी है? अभी नहीं, अभी छुट्टी मिल रही है। तो आप भी हैं शिक्षक? नहीं वो नहीं। तो इसके सब है स्कूल अंदर है? जी सब हैं, सब क्लास में है। अभी तो ये टिफिन हुआ है। अच्छा। तो बच्चे को मध्याह्न भोजन के अंतर्गत भोजन करवा रहे थे। अच्छा, दाल भात आज भुजिया बना था। दाल भात भुजिया बना है, ठीक है। तो आपने ये जो बच्चे इधर आओ हाँ तुम इधर आओ, जो यहाँ का जो विद्यार्थी कौन है, ये सब है? ये सब बच्चे। क्या यहाँ पे स्कूल ड्रेस नहीं है क्या? स्कूल ड्रेस तो ये खास करके बच्चे, तुम थोड़ा पीछे हो जाओ जरा, इनको सबको दिखाओ। हाँ, क्या स्कूल ड्रेस नहीं यहाँ पे? जी स्कूल ड्रेस तो है, लेकिन ऐसा है कि ये मतलब पिछड़ा वर्ग के लोग यहाँ पे हैं। अच्छा। तो उसके लिए क्या है कि थोड़ा मेहनत कर रहे हैं हम लोग कि ड्रेस में बच्चे आए, लेकिन ड्रेस में बच्चे अभी नहीं आ पाते हैं। अच्छा। तो हम लोग का पूर्ण कोशिश है कि किसी तरह भी बच्चे को ड्रेस में लाया जाए। यहाँ पे कितने बच्चे आते हैं, कितने बच्चे हैं यहाँ पे स्कूल में आपके? बच्चे लगभग 400 से ऊपर हैं। 400 से आते कितने हैं? लगभग रेगुलर में 250-350 के बच्चे रेगुलर आते हैं। 250-300 आते हैं जी, उससे ज़्यादा का नहीं है। तो ये सब आप देख सकते हैं, सब स्कूल के बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। और आपका ये 8वीं तक है ये शायद स्कूल? हाँ ये 8वीं तक है। 8वीं तक है। तो क्या 8वीं क्लास के बच्चे लोग हैं, कुछ बड़े बड़े बच्चे आते हैं इतने छोटे छोटे सारे? हाँ सब खाना पीना अभी जो खा रहा है। अच्छा, खाना पीना। चलिए आपको हम दिखाते हैं कि यहाँ पे खाना के जो ये दोपहर के खाना यहाँ पे है, मिलते हैं बच्चे लोग खाने के लिए। आइए देखते हैं कि आखिर वो खाना क्या बनी है आज का। आज का मेन्यू क्या है? दाल भात और हरी सब्जी और आलू का भुजिया था। अच्छा, कहाँ पे आपका वो है, मेस कहाँ है? यहाँ पे। आइए आपको दिखाते हैं। आपको बता दूं कि मैं स्कूल में या इस मोहल्ले में आज पहली बार आया हूं और ये पता नहीं है कि मैं आने वाला था या अटेंडम में यहां पहुंचा हूं मैं। आइए देखते हैं कि आपकी अटेंडम में भी क्या वास्तविकता है, क्या ये लोग किया है इन्होंने, ये खासकर भोजन में क्या बनाया है, आइए देखते हैं। ये मेज है यहाँ पर, ये मेज है आप देख सकते हैं, इसके अंदर चावल है और चावल है, ये आलू। टेक्निकली एरर की वजह से आपको हमने स्कूल की फोटेज दिखा नहीं पाया। अब आपको हम एक नए गांव लेके चले गए और वहां की स्थिति के बारे में हम जानेंगे कि वहां के क्या हालात है। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहें। अगर आप अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें, ताकि हर अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे।